ये सैलड है और ये फ्राई बैंगन है और ये है जी फलाफल। ये आपने देखे ही होंगे शायद फलाफल। तो ये अभी ये दोस्तों बैंगन आ गया, ये थोड़ा सा सैलड, ये सैलड बिस्मिल्लाह। बहुत एहतियात से हम खुदाई कर रहे थे लेकिन यहाँ से पाइप टूट गया, यहाँ से आपको ये पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से पाइप, जैसे ये पानी आपको देख रहे, यहाँ से लीकेज करने लग पड़ा। तो ये देखे कितना ये पानी जमा हो चुका है। उसके बाद आई एम रेडी, अभी चलते हैं साइड पे, तो आपको विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हो गए, हम जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज है जी अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड पर नया दिन, और अभी मैं अपनी साइड पर पहुँचा हूँ, अभी सुबह के 6 बजे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी साइड का विज़िट करना है, जो काम जहाँ को छोड़ के गया था फिर जेने में बताने बैठाने हैं कि कौन सा काम करने वाला है। तो अभी सबसे पहले अपनी सेफ्टी पहनते हैं क्योंकि ये सबसे बहुत ज़रूरी काम है, तो सेफ्टी पहनते हैं फिर चलते हैं अपनी साइड पर और साइड आपको विज़िट करना। आप दोस्त इस जैकेट को तो जानते ही होंगे, ये जैकेट सऊदी अरब में बहुत आम इस्तेमाल की जाती है, इससे बस पता चलता है कि ये साइड पे इंजीनियर है या ये साइड पे फोरमैन है या कोई काम करने वाला है, कोई वैसे नहीं साइड पे घूम रहे। तो इस वजह से हैरिस में तो इतनी सेफ्टी नहीं होती, ये बस जो सबसे ज़रूरी चीज़ ग्लासेस। तो बाद आई एम रेडी, अभी चलते हैं साइड पर, तो आपको विजिट करवाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन सा काम पेंडिंग है और कौन सा काम हो चुका है। जैसे कि दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये सारा मुकम्मल NDRC है, ये पाइप उस तरफ जाएगा रोड क्रॉस करके। तो ये हमने सेंटर पॉइंट दे दिया था इसको, उसके बाद ये भी सेंटर पॉइंट लगे हुए हैं, ये इसके पीछे बैक वॉल बनेगी। तो बैक वॉल के लिए कंक्रीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे ये बैक वॉल कम्प्लीट होगी तो जो ये ऊपर मशीन पड़ी हुई है ये वाली इस मशीन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये हमारा NDRC का काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको भी कम से कम शुरू होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि एक हफ्ते से कम लगे, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल काम होता है, बहुत बारीकी का काम होता है। अगर ज़रा सी मशीन को आगे पीछे सेट कर दिया, सेंटर पॉइंट से थोड़ी सी मशीन हट गई तो 130, अगर फर्ज करो 1 सेंटीमीटर ये अपनी जगह सेंटर पॉइंट से हट जाती है मशीन, तो 120 मीटर की ये पाइपलाइन है, 120 मीटर की ये NDRC है, तो 120 सेंटी यानी तकरीबन 1 मीटर और 20 सेंटी का फ़र्क डाल जाता है। तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी हमको इसका कंसल्टेंट से पास करवाने में, हो सकता है इसको रिजेक्ट कर दे, तो इस वजह से बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी नाश्ता नहीं किया, तो नाश्ते के बगैर ही मैं आ गया हूँ। अभी मैं अपने दोस्त को कॉल की है, वो मसरी है, मैं उसको बोला कि आज तेरा नाश्ता ट्राई करते हैं, और कह रहा कोई मुश्किल नहीं मैं लेके आता हूँ। तो अभी चलते चलते अब आ गई हूँ अपनी दूसरी लोकेशन पे, ये एक ही लोकेशन है लेकिन इसके पार्ट्स बने हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं NDRC के दूसरे हिस्से पे पहुँच चुका हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं और कौन सा काम रहता है। तो दोस्तों हम यहाँ से अपनी पाइपलाइन को ना NDRC से कनेक्ट करके लेके आ रहे थे, इस तरफ हमने जाना है। तो ऐसा हुआ कि ये पाइप आ गया, उसके पीछे नीचे सपोर्ट थी और सपोर्ट को रिमूव किया तो ये पाइप थोड़ा सा नीचे चला गया, और यहाँ से पाइप, जैसे ये पानी आपको देख रहे, यहाँ से लीकेज करने लग पड़ा। तो ये देखें कितना ये पानी जमा हो चुका है, ये देखें। तो फिर हमने इसको किया यहाँ पे ये गार्डर वगैरह डाल के, तो बेल्ट की मदद से इसको उठा कर रखा हुआ है, ताकि अगर ये और नीचे गिरा तो ये पाइप यहाँ से टूट गया, अगर ये पाइप यहाँ से टूट गया तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा, अगर ये पाइप इधर से टूट गया तो हमको बहुत ज़्यादा हमको मुश्किल दरपेश आ जाएंगी, बल्दिया की तरफ से, रामको की तरफ से, वट एवर जितने भी इदारे इधर हैं, तो वो हमारा काम तक रुकवा सकते हैं। तो इस वजह से इसको हमें एहतियातन बंद करवा दिया, और इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर इसको मुकम्मल हम रिपेयर कर देंगे। तो दोस्तों पाइपलाइन में जो हमको सबसे बड़ा मसला ये दरपेश आता है कि हमें नहीं पता होता कि हम से नीचे और कौन सा पाइपलाइन है। अक्सर ड्राइंग्स में शो यह होता है, हमारे पास भी जो ड्राइंग है उसके अंदर भी पाइप शो किया हुआ है, लेकिन कुछ पाइप लाइन ऐसी हैं, यहाँ से एक पाइप गुजर रहा है, तो वो पाइप लाइन तकरीबन 40 साल पुरानी है। तो उस वक्त ना टोटल स्टेशन होती थी, ना कोई लेवल मशीन होती थी,
तो इस वजह से या बस अंदाजे से ही उन्होंने डाल दी, और हमें नहीं रहा पता कि यहाँ पे पाइप है। वो जब एक्सकवेटर वाला जहाँ से खुदाई करने लगा, एक्सकवेशन करने लगा, तो थोड़ा सा ही ना पाइप डैमेज हो गया वहाँ से, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आया वो पाइप है किधर है। तो वो पाइप डैमेज हो गया, उसके नतीजे में ये आप देख लीजिए, ये सारा सीवरेज का पानी है, ये सारा देखो सीवरेज का पानी जा रहा है, वो पानी बाहर निकल आया। अब इसको भी रिपेयर करने का सोच रहे हैं, ये कल की बात है। ये जब हमने इस पाइपलाइन कंपनी के ऑनर से बात की तो वो बोलते हैं कि हमारे पास इसका कोई भी किसी किस्म का कोऑर्डिनेट नहीं है, तो बस पाइपलाइन हमारी इधर है और हमें नहीं पता आप किधर किधर है। तो फिर जब हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि पाइप को ढूंढने की, तो ये देखे एक पाइप हमें यहाँ पे मिला, ठीक है, उसके बाद ये इधर पाइप आ गया, ठीक है। और जब हमें यहाँ पर खुदाई की, ये आप जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमने खुदाई की और वहाँ पर हमें पाइप नहीं मिला। आप देखो थोड़ा यानी कि 2 मीटर के फासले पर, 2 या 3 मीटर के फासले पर इसने डायरेक्शन चेंज किया है। तो हमने सर्च किया लेकिन हमें पाइप नहीं मिला। तो अभी आज जो हमने खुदाई करवानी है वो फिर हम बहुत एहतियात से करवाएंगे, क्योंकि हमने अपना काम भी तो जारी रखना है ना। तो अभी चलते हैं दूसरी पे और वहाँ पर देखते हैं जाके कि वहाँ पर क्या प्रोग्रेस है। दोस्तों हमारी जो पाइप लाइन है वहाँ पर ना हमें एक और पाइप मिले, लेकिन ये पाइप उससे मैच नहीं करता है। ये देखें यहाँ पर आपको रमल नज़र आ रही है, तो रमल का मतलब है कि यहाँ पे पाइप है, और यहाँ पे भी हमने थोड़ी थोड़ी खुदाई करवाई ताकि पता चल सके कि यहाँ पे पाइप है या नहीं। और ये जो मिट्टी है हमने उठा के पहले यहाँ रखी, और यहाँ से उठा के हमने वहाँ रखी, तो अभी बल्दिया वाली आए, वो बोलते हैं कि यहाँ से मिट्टी को हटाओ, यहाँ पर हमारी पाइप लाइन है और पाइप लाइन हमारी डैमेज हो जाएगी, पाइप लाइन के ऊपर वज़न डालेगा। तो इस वजह से अभी ये शेवल आ रहा है, ये मिट्टी उठा कर वो कॉर्नर पे आखिर पे जाके रखेंगे जहाँ पे बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपको हज़ारों का जुर्माना डलवा सकती है, हज़ारों का जुर्माना आपको डलवा सकती है। इस वजह से आपको छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों इस जगह पर हमें थोड़ा सा मसला इस चीज़ का आ रहा है, जैसे ये देखिए हमारा यहाँ पर ये स्टील लगा हुआ है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमें पाइपलाइन गुजरेगी, लेकिन हमें जो हमारा सेंटर है वो इधर आ रहा है, इससे भी हमें 2 मीटर इधर जगह चाहिए और 2 मीटर इधर जगह चाहिए, लेकिन रास्ते में ये मैन होल आ गया। ये मैन होल का ये वही पाइपलाइन से मैन होल कनेक्ट है, तो अभी तक हमें पता ही नहीं था। जैसे ये हमने झाड़ियाँ यहाँ से साफ़ की है, यहाँ से क्लिनिंग की है, तो ये मैन होल भाई भी इधर से निकल आए हैं। अब इसका भी पहले कुछ करेंगे तो फिर अपना काम है चालू करेंगे। कल हमने जब ये एक्सकवेशन की, यहाँ से हमने सफाई वगैरह की, तो ये पानी ओवरफ्लो हो रहा था, तो ये एंड ये बहुत बड़ी कंपनी है ये सऊदी की, तो हमने फिर इससे रابطہ किया, और ये हमने जब इससे रابطہ किया और ये जो ओनर है कंपनी के उसके एम्प्लॉइज़ आए, उन्होंने इसको चेक किया अच्छी तरह, और ये ओवरफ्लो हो रहा था, ये ब्लॉकेज थी, तो वो आए कल अपनी मशीनरी वगैरह लेकर, एक दिन के अंदर ही उन्होंने ये अपना ये मैन होल ठीक कर दिया। तो यही फ़ायदा होता है, जो बड़ी कंपनी होती है ना वो अपनी चीज़ों का, अपनी मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर हम उनको ये ना बताते कि आपका ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो हो सकता था ये नीचे जाता और हमारी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा देता। तो इस वजह से इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी अबे दोस्त की को मैंने फ़ोन किया है, मैं कह आ जा यार जल्दी, वो कहता कि यार अभी मैं नाश्ता ले रहा हूँ, तो अभी मैं आ रहा हूँ, तो मैं क्या आज मसरी नाश्ता ट्राई करते हैं। तो दोस्तों जिस मैंने अपने मसरी दोस्त को बोला था कि आज आपका मसरी नाश्ता ट्राई करते हैं, वो साथ ले आया, ये भी शुरू हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है क्या। तो दोस्तों ये एक ब्रेड है, ये देखें ये ब्रेड है, ये सलाद है, और ये फ्राई बैंगन है, और ये है जी फलाफल, ये आपने देखे ही होंगे शायद फलाफल। तो ये अभी ये दोस्तों बैंगन आ गया, ये थोड़ा सा सैलेड, ये सैलेड बिस्मिल्लाह, बस इसके अंदर मिर्चे नहीं है, बाकी लोग बहुत लेवल गया। उसके बाद ये फलाफल, बहुत ही लेवल गया अल्हम्दुलिल्लाह।
तो दोस्तों अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता कर लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता था। शुक्रान या सदीक। शुक्रान शुक्रान फैज भाई। शुक्रान। आप पाकिस्तान के साथ रह रहे हैं ना, पाकिस्तान के साथ साथ कुछ कुछ अरबी कुछ कुछ उर्दू ज़बान से बोलना सीख लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पर, वो थोड़ी सी दूर है, तो उस वजह से हम गाड़ी पर जा रहे हैं। तो अभी वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर काम की इजाज़त लेते हैं और फिर वहाँ पर रुक जाते हैं, और जो काम पीछे हुआ तो फिर इंशाल्लाह पीछे आ जाएंगे। ये देखें, बहुत एहतियात से हम खुदाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ से पाइप टूट गया, यहाँ से आपको ये पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इसका बाद में हाल सोचेंगे, अब इसको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों ये है वो साइट जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी, तो इस मकसद के लिए मैंने लाइका NA7020 मशीन ली है। तो ये लेवल मशीन है असल में, तो इसका मकसद ये है कि आज शाम को यहाँ पे मशीन सेट होना शुरू हो जाएगी, और उससे पहले हमने 110% लेवल ओके करके रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देनी है। तो इस क्योंकि अगर हम अपनी तरह, हमने तो पहले चेक कर लिया है तो ये ओके है, लेकिन एक बार फिर हम वेरीफाई करेंगे ताकि किसी भी किस्म की बात में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लेवल में 19-20 फर्क आ जाता है कोई ना कुछ सेट करने में। तो इस मकसद के जब तक मशीन सेट नहीं होती और हम फिर आज इधर ये जब तक मशीन नहीं मुकम्मल तौर पर सेट हो जाती, तो क्योंकि दोस्तों एक बार जब मशीन सेट हो गया नीचे जाके, तो उसको फिर ज़रा सा उठाना है, मतलब आगे पीछे करना, तो वो बहुत मुश्किल वाला काम है। तो उस वजह से उस मुश्किल से बचने के लिए हमने एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ेगा, ताकि हमें बाद में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। मैंने सर्वे के पॉइंट लगाए हैं, एक ये की लगा हुआ है और एक ये की लगा हुआ है। हाँ, एक ये वाला की लगा हुआ, ये मैंने दोनों पॉइंट लगाए हैं। अब हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है इधर। तो दोस्तों 11:30 बजे हमारी लंच ब्रेक हो जाती है, तो 11:30 बजे हम घर आ जाते हैं। तो आकर शावर लेते हैं और जहर की नमाज़ अदा करते हैं और खाना वगैरह खाते हैं और थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। तो मैंने नमाज़ वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, और खाना मैं दोपहर को खाता नहीं हूँ। तो थोड़ा सा काम था मेरा कंप्यूटर के साथ, तो एक अभी शुरू करने लगा हूँ मैं, तो अभी ये काम शुरू करते हैं। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट है, रेस्ट करने के बाद अगर दिल किया तो साइड पर जाएँगे, नहीं दिल किया तो घर ही बैठेंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ तरतीब नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी अपना काम जो है वो मुकम्मल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज साइड पे लंच के बाद जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो दोस्तों अभी साइड पे मेरा काम नहीं था, तो अभी मेरे सीनियर ने कॉल की है, तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस में। ऑफिस में थोड़ा सा काम है, और ऑफिस में काम मुकम्मल करने के बाद देखते हैं कि फिर अब आगे क्या होता है। तो अभी वैसे अभी 1:30 हुआ है, तो 4 बजे वैसे भी छुट्टी हो जाती है ऑफिस में भी और साइड पे भी। चलो अभी जाके देखते हैं, तो साइड पे वर्क होता है तो साइड पे चले जाएंगे, नहीं तो फिर उधर ही जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो इंशाल्लाह जाके कंप्लीट करते हैं। यानी कि दोस्तों साइड पे भी टाइम देना पड़ता है और ऑफिस में भी, दोनों जगह पे ड्यूटी देनी पड़ती है, जब जिधर ज़रूरत पड़ जाए तो उधर फिर जाना पड़ता है। तो दोस्तों अभी मैं अपने ऑफिस में पहुंचा हूं, तो और यहां पे जो मेरा काम है, एक और मेरा दोस्त आ रहा है, उसकी भी कॉल आई है, उसका भी कोई मसला पेंडिंग पड़ा हुआ है वो भी हल करना है। उसके बाद 3-4 काम और है जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, और साइड पर मसरूफियत की वजह से मैं ऑफिस नहीं था आ पा रहा। तो अभी आप जो आज मुझे टाइम मिला है, क्योंकि साइड पर मेरा काम नहीं था, सर्वे का काम नहीं था, तो अभी फ़िलहाल ऑफिस में पहुंचा हूं, तो मैं सोचा कि जो काम पेंडिंग है वो कर लेते हैं। ये बाल नहीं मैं बस कटवाता, ये चलो खैर ईद इजहा पे काटेंगे आप। तो ये सारी फाइल्स हैं जिनको मैंने प्रिंट आउट करना है, ये मेरे पास ऑलरेडी स्कैन में पड़ी हुई थी PDF की शक्ल में, और ये प्रिंटर मेरा है,
और ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, और ये फिर प्रिंटर मैं उठा के लेके आया हूँ किसी और रूम से। तो अभी इन सब को मैं प्रिंट आउट शुरू कर दी है, तो ये 15-20 मिनट का काम है। ये 15-20 मिनट का काम करने के बाद चलते हैं फिर अपने घर वापस। दोस्तों अभी रिलैक्स होकर बैठा हूँ क्योंकि साइड पे भी बहुत काम किया और दफ्तर में भी बहुत काम किया है, तो अभी जो काम करना था वो मैंने कर लिया और अब सुकून के साथ बैठा हुआ, थोड़ा सा देर रिलैक्स करूँगा। 15-20 मिनट बाद गाड़ी आ रही है तो घर वापस जाएंगे, जाके असर की नमाज पढ़ेंगे और खाना आज बाहर से ही खाएंगे क्योंकि हिम्मत नहीं है घर जाके बनाने की। तो अभी फ़िलहाल वेट करते हैं, तो अभी फ़िलहाल और तो कुछ काम नहीं है, तो अभी वेट करते हैं और फिर बाद में चलते हैं अपने घर वापस और आज सुकून से जाके सोना, वीडियो भी एडिट करनी है। तो अभी चलते हैं, फिलहाल इंतज़ार करते हैं फिर चलते हैं घर वापस।